Assalamu alaikum students, how are you all? Okay, I hope you will fine. Okay, I am your teacher maths class 5. My name is Maria. Today our topic is numbers, unit 1, topic numbers. Okay students, first of all हम study करेंगे international place value chart. नंबर्स के टॉपिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में, ठीक है? नंबर्स क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी लाइफ में मैथ्स की और नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले हम प्ले ग्रुप से ही 1, 2, 3 ए बी सी अलिफ बे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इसी तरह मैथ के लिए आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. लाइफ में आप नंबर्स के बगैर या मैथ के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते. इवन के अगर आप लोगों को अल्लाह का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अल्लाह क्या है, वाहिद है, यानी कि एक है, अकेला है, तो ये क्या है, मैथ से ही स्टार्ट है. अल्लाह पाक अपने बारे में आप लोगों को बता रहे हैं क्या, कि मैं अकेला हूँ, यानी कि वन. ओके, सबसे पहले हम पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लास 4 में भी बताया गया, लेकिन क्लास 5 में क्या है कि आप लोगों का ये टेबल चार्ट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. इसमें सबसे पहले क्या होता है, वंस, यानी कि जिसको हम यूनिट भी कहते हैं और वंस भी कहते हैं. उसके बाद क्या आता है, टेंस, टेंस की फैमिली होती है. उसके बाद हंड्रेड, ठीक है, ये यूनिट की फैमिली होती है, जिसमें क्या आएगा, वंस, टेंस और हंड्रेड. उसके बाद थाउजेंड्स की फैमिली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थाउजेंड, टेन थाउजेंड, उसके बाद हंड्रेड थाउजेंड. क्योंकि ये इंटरनेशनल टेबल है तो इसमें हम 10,000 के बाद 100,000 यूज़ करेंगे. लेकिन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पाकिस्तानी अगर प्लेस वैल्यू चार्ट हो तो 1,000, 10,000 के बाद लैक आता है. लेकिन आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि पाकिस्तान में लैक का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन आप लोग आउट ऑफ सिटी चले जाएं या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं तो लैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ 100,000 का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो आप लोगों की बुक में भी यही यूज़ किया गया है, हम भी इसी के बारे में आप लोगों को स्टडी करवाएंगे, ठीक है? थाउजेंड के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000. उसके बाद एक फैमिली न्यू इंट्रोड्यूस हो रही है जो आप लोगों ने पढ़ी है, वो है मिलियन. इसी तरह जैसे 10 था, 100 था, सेम इसी तरह मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन. उसके बाद 100 मिलियन भी हो गया, इसके बाद आ जाएगा बिलियन. बिलियन का वर्ड बिल्कुल न्यू है क्लास 5 के अकॉर्डिंग. जैसे ही हमारे पास मिलियंस की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारा बिलियन की फैमिली स्टार्ट हो जाती है. बिलियन में भी स्टूडेंट्स इसी तरह होता है, 10 बिलियन और 100 बिलियन. लेकिन आप लोगों को क्लास 5 तक बिलियन तक ही है, हम बस यहीं तक ही स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक नंबर लिख के देती हूँ, यानी कि 0, 0, 0. और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमेशा 3 डिजिट के बाद आप लोगों ने स्पेस देनी है. और अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो स्पेस नहीं देते तो वो कोमा भी लगा सकते हैं, तब भी ठीक होगा, ठीक है? इसी तरह ये मैं 3 डिजिट और लिख रही हूँ, इसके बाद भी आप लोगों ने स्पेस देनी है या कोमा लगाना है, दोनों ही मेथड ठीक है. पेपर में हो सकता है मैं आप लोगों को, मैम आमना पेपर बनाती हैं, हो सकता है वो आप लोगों को कोमा लगा दें कन्फ्यूज़ करने के लिए, स्पेस ना दें. लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्पेस की भी और कोमे की भी, और 3 डिजिट के बाद, ठीक है? ये हो गए, और फिर से कोमा या स्पेस, और यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देती हूँ. इसका मतलब है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन ज़ीरो हैं, फिर जाके नंबर 1 है, यानी कि 10 डिजिट का एक नंबर है जो के क्या है, 1 बिलियन. क्या है, 1 बिलियन. और बी से मैं बता रही हूँ, बी स्टैंड्स फॉर बिलियन, और ये क्या है, इट्स 10 डिजिट नंबर. अगर आप लोगों को पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज इस तरह से आ जाता है कि बिलियन इज इक्वल टू डैश डिजिट नंबर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 10 डिजिट का नंबर है. इसके अलावा अगर आप लोगों से ज़ीरोज़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये फुल 10 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसमें ज़ीरो कितने हैं, 9. कितने ज़ीरो हैं, 9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बिलियन के. 1 बिलियन के, 1 बिलियन में हमेशा 9 ज़ीरो आएंगे. और अगर मैं यहाँ पे इनको रेज कर दूँ और इसकी जगह लिख दूँ 1, तो ये हो जाएगा 1
मिलियन, क्या हो जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो आ गए हैं, 1 2 3 1 2 3, 6 जीरो आएंगे 1 मिलियन में, और ये इक्वल किसके होगा, ये होगा 7 डिजिट के इक्वल। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखे 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, ये है 1 मिलियन, ये है 1 मिलियन और 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर मैं जीरोस के बारे में पूछूं तो जीरोस कितने हैं, 6। ठीक है, ये दो अलहदा बातें हैं। अगर मैं पूरा डिजिट के बारे में पूछूं कि कितने डिजिट का ये नंबर है, तो आप लोगों ने उसके अंदर 1 को भी काउंट करना है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से सिर्फ जीरोस के बारे में पूछूं, तो आप लोगों ने ऊपर टेबल ड्रॉ करना है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100000s, और उसके बाद ये क्या है, मिलियन। तो 1 मिलियन है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ जीरोस के बारे में पूछ रही हूँ। तो आप लोगों ने देखना है 1 मिलियन में कितने जीरो हैं, 3 और 3 6। इसी तरह अगर मैं बिलियन में पूछूं, तो बिलियन में कितने जीरोस होंगे, 9। ठीक है, ये दो अलहदा बातें। अगर मैं पूरे नंबर्स के बारे में पूरा डिजिट पूछूंगी, तो आप लोगों ने 1 नंबर 1 को भी काउंट करके बताना है। लेकिन अगर मैं खाली जीरोस के बारे में पूछूं, तो आप लोगों ने खाली जीरोस के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक नंबर लिखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये 3 डिजिट के बाद या तो आप लोग कोमा लगा दें, मैंने वैसे स्पेस दी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वंस या यूनिट, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100000s, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और एंड पे क्या आ जाएगा, बिलियन। एंड पे क्या आ जाएगा, बिलियन। अब अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों ने डिजिट के ऊपर अच्छे से लिख के चेक करना है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100000s, 1 million, 10 million, 100 million, or 1 billion. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर बुक क्वेश्चन। बुक में पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या है कि वर्ड्स में लिखने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि नंबर्स को लिखने के 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक इनको वर्ड्स में लिखते हैं और एक इनको हम फिगर में लिखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगी फिगर में कैसे लिखते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। अच्छा, वर्ड्स का मतलब है स्टूडेंट्स की स्पेलिंग, ABC। ठीक है, वर्ड्स का मतलब है कि आप लोगों ने ये जो आप लोगों को नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है ना, आप लोगों ने इसका आंसर स्पेलिंग में यानी कि ABC की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग अपना नेम लिखते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा नेम क्या है, तो आप लोग फ़ौरन बताओगे मारिया है। कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा मारिया, मैं पूछूंगी कैसे लिखना है, आप लोग फ़ौरन बताओगे MARIA। कोई ये तो नहीं कहेगा 2 3 6 9 इज इक्वल टू मारिया। ठीक है, ये नंबर्स हो जाएगा। आप लोगों ने इसे वर्ड्स में लिखना है, मीन्स स्पेलिंग में लिखना है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चाहे आप लोगों को जितनी भी प्रैक्टिस है, जितना भी आता है, आप लोगों ने यूँ नहीं करना कि नंबर देखते साथ खुद से आंसर लिख देना है। आप लोगों ने इसके ऊपर ये प्लेस वैल्यू चार्ट लाजमी ड्रॉ करना है। चले मेरे साथ इसके ऊपर टेबल ड्रॉ करवाएं, यूनिट या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, 100000, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, मिलियन आएगा या बिलियन, बिलियन बहुत बड़ा है, उसके बाद क्या आएगा, मिलियन। ओके, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर टेबल ड्रॉ कर देंगे, आप लोगों को इसका आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। अब नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिलियन, तो हम क्या लिखेंगे, 1 को भी स्पेलिंग में ही लिखना है, 1 मिलियन। ठीक है, इसके बाद स्पेस है, अगर स्पेस देनी है आप लोग स्पेस दे दें, वरना कोमा भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 500000। अब क्या है स्टूडेंट्स कि 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100000,
5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 100,000, तो आप लोगों ने क्या लिखना है 500,000. इसके बाद क्या है कि ये तमाम जीरोज हैं, ठीक है, ये तमाम जीरोज हैं. जब भी किसी जीरो के ऊपर कुछ भी चाहे लिखा हो, जीरो हमेशा जीरो रहता है. अगर जीरो से पहले कोई डिजिट लिखा होता तो इसकी वैल्यू होनी थी, या जीरो के सेंटर में या एंड पे भी, लेकिन ये सब जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरी फैमिली हमारी जीरो है. हमारा आंसर यहाँ तक खत्म है. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन और टेन मिलियन. अब देखें यहाँ पे आ गया 10 मिलियन. एक और बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नॉलेज में होनी चाहिए कि लास्ट के टू डिजिट को हमेशा मिला के पढ़ते हैं, थाउजेंड और टेन थाउजेंड को हमेशा मिला के पढ़ते हैं, और मिलियन और टेन मिलियन को भी हमेशा मिला के पढ़ते हैं. क्योंकि ये देखें, ये क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं. ये छोटा भाई है 1,000, ये बड़ा भाई है 10,000, लेकिन हैं ये दोनों 1,000,000, ठीक है. इसी तरह ये भी मिलियन है, ये 10 मिलियन है, तो इन दोनों को भी आप हमेशा मिला के पढ़ते हैं. और लास्ट वाले दोनों डिजिट को लिखने से पहले आप लोगों ने एंड और एंड वाले दो डिजिट लिखने. ये क्या हो जाएगा, इनको हमेशा मिला के पढ़ना है. ये क्या लिखा हुआ है, 16, गुड, 16 मिलियन है, 1,000 नहीं है. ऊपर याद रखना है मिलियन की फैमिली चल रही है, 16 मिलियन, आगे कुछ भी नहीं है. यानी कि इन सब के साथ ये भी, ये जो हमारी 1,000 की फैमिली थी ये भी पूरी ज़ीरो हो गई, और ये हमारी जो यूनिट की फैमिली थी ये भी ज़ीरो हो गई. सिर्फ ये दो डिजिट थे, सिर्फ ये इसका आंसर हो गया, ठीक है. इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन. ये भी सेम उसके जैसा है, मुझे कौन इसका आंसर देगा, चले मिलके करते हैं. क्या है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इन दोनों को आप लोगों ने मिला के लिखना है. ये क्या लिखा हुआ है, 34, 34 मिलियन कोमा, उसके बाद क्या है, अब इन दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये दोनों जीरो हैं तो हम सिर्फ इस डिजिट को फोकस करेंगे. 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100,000, तो क्या आ जाएगा, 800,000. अगर इसके आगे भी कोई डिजिट लिखा होता तो हमने उसके बारे में बताना था, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप है. ओके.